Hello friends, today we will discuss how to motivate your students. देखिए जो स्टडी है एक बहुत बड़ा चैलेंज है तथा जब आप उनको स्टडी कराते हो मीन्स जब उनको टीचिंग करते हो तो बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो उनका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई इधर देखेगा कोई उधर देखेगा, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे स्टडी के लिए, कैसे उनको एकत्रित करोगे, उसके लिए मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट को एक एक करके हमने स्टडी करना है। पहले है कि टू मेक द स्टडी एनवायरमेंट। जब तक स्टडी का एनवायरमेंट नहीं होगा हम विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं सिखा सकते। देखिए आप पार्क में जाते हो, जब तक वहां वृक्ष नहीं होंगे, फूलों के पौधे नहीं होंगे, हमें वो पार्क अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही हम एक इंसाइक्लोपीडिया की बुक पढ़ते हैं, उसमें सभी पेज ब्लैंक है, तो हमें अच्छा ही लगेगा उस इंसाइक्लोपीडिया को स्टडी करना। ऐसे ही अगर विद्यार्थियों को पढ़ाना है, उनको मोटिवेट करना है, तो सबसे पहले एनवायरमेंट अच्छा बनाओ। ऐसा एनवायरमेंट हो जहाँ शांति हो। बच्चों को बता दो कि ये उनके रूल्स रेगुलेशंस है, कोई भी बच्चा लेट ना आए। उनको मोटिवेट करो करो कि वो स्टार्टिंग करें, हर काम को ईमानदारी से, सच्चाई से, निर्दयी से स्टार्ट करें, तो उनको सक्सेस मिलेगी। दूसरा, टू टेल द पोटेंशियल्स। देखिए आप मुझे मेरी शक्ति को बता दीजिए, मैं जो करना चाहता हूं करके दिखा दूंगा आपको। ये सच्चाई है, इंसान की शक्ति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मीन्स आप उस समय को याद कीजिए जब ओलंपिक्स होते थे, उस समय 10 मिनट में 100 मीटर की रेस कवर की जाती थी, पर वही 10 मिनट आज 8 सेकंड हो चुके हैं। इट मींस इतने टाइम से जैसे जैसे टीचर्स ने अपने विद्यार्थियों की पोटेंशियलिटी को बताया, वैसे वैसे न्यू टेक्निक्स डेवलप हुई तथा कम समय में आज जो है ओलंपिक के इसमें सिर्फ 8 सेकंड में 100 मीटर कवर किया जाता है। ऐसे ही आपके विद्यार्थियों में बहुत सारी शक्तियां हैं, आपने उस शक्तियों को ढूंढना है, ये आपकी ड्यूटी है अगर आप उनको मोटिवेट करना चाहते हो, तथा उन शक्तियों को ढूंढकर उनको बताना है कि ये आपकी शक्ति है, इसके पीछे आप लगो और आप जिंदगी में तरक्की करोगे। तो आपके विद्यार्थी देखना पूरी ही ईमानदारी से, क्योंकि बच्चे ईमानदार होते हैं, विद्यार्थी ईमानदार होते हैं, पूरी शक्ति लगा के आगे बढ़ेंगे और एक दिन अपना वो मुकाम जो वो प्राप्त करना चाहते हैं वो उनको मिलेगा। टू क्रिएट फन विद वर्ड्स। देखो अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे शब्द बोलिए कि उससे खुशी का माहौल पैदा हो, बहुत हंसिए और हंसाइए। एजुकेशनल जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही खुशनुमा होना चाहिए, बिल्कुल आनंददायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर एक डिक्टेटर बन जाए, एक ऐसा डिक्टेटर बन जाए कि लोग उससे डरें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यापक होना चाहिए, खुश नसीब होना चाहिए, विद्यार्थी उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आए, मेरे पास भी फोन आते हैं, मैं उनको अच्छी एडवाइस देता हूँ, कोशिश करता हूँ, अच्छी बातें बताऊं, जिंदगी इसी का नाम है। अगर आप कोई भी डिफिकल्ट काम, बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बहुत ही सीरियसनेस से समझाओ तो वो समझ नहीं आएगी, अगर आप उसको कोई क्रिएटिव वे से, फन वे से समझाओगे तो बहुत छेती वो समझ आएगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई बच्चों को आनंदित करने की जिम्मेवारी अध्यापक की है, तो आप उनको आनंदित कीजिए, उनको खुशियां दीजिए, ना कि उनके ऊपर एक डिक्टेटर बन के बैठ जाइए, ये गलत है। उसके बाद टू गिव पर्सनल अटैचमेंट। देखो विद्यार्थी की अपनी समस्याएं हैं, जब तक उनको पर्सनल टच नहीं दिया जाएगा तब तक वो मोटिवेट नहीं होंगे। कोई ऐसा विद्यार्थी भी होगा जिसने अपना काम इसलिए नहीं किया कि उसको घर के अन्य काम करने पड़ते हैं, मीन्स उनके फादर और उनकी मदर हो सकते हैं बीमार हों,
तो ऐसी हालत में आपने उनको बताना है कि आप जो है कुछ समय निकाल के यही स्कूल में ही स्टडी किया करो, तथा होमवर्क की जगह पे स्कूल वर्क की हैबिट उनको आपने देनी है, कि उनको ऐसा कोई काम ही ना दो वो घर जाके उसके लिए टेंशन लें। उसके बाद टू मोटिवेट फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब यह है कि विद्यार्थियों को हर चीज का एक्सपेरिमेंट करने देना चाहिए। मैं खुद भी इस स्कूल में, इस एजुकेशन में हर चीज को एक्सपेरिमेंट के नजरिए से देखता हूँ कि जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। जैसे ये कैमरा है ना, कैमरा मैं पहले यहाँ लगाता था, यहाँ अब मैं उसको काफी दूर लेके गया हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि क्या इसमें बनने वाला वीडियो अच्छा होगा, क्या इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसका कम से कम ना हो 10 फुट की दूरी पे मैं बैठा हूं और आपसे बातें कर रहा हूं। तो कभी तो मैं उसको 3 फुट की दूरी पे रखता था। तो ऐसे ही आप विद्यार्थियों को एक्सपेरिमेंट करने की आज्ञा दो, अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करो तो बहुत अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे। नेक्स्ट टू गिव चैलेंज एंड रिवार्ड्स। विद्यार्थियों को जब आपने अच्छी तरह से सिखा दिया, अच्छी तरह से उनको समझा दिया, तो सबसे अच्छा काम मोटिवेशन देने का कि उनको चैलेंज दो कि भैया हाँ ये काम करो, इसके लिए इतना रिवार्ड है, तो आपके विद्यार्थी वो काम करेंगे। जैसे मैं आपको ये कहता हूं, उनको कहो कि आपने 5 मिनट में 10 पेज रिमेंबर करने हैं और उसको लोगों के सामने बोल के दिखाना है, ये चैलेंज है। 10 पेज, 5 मिनट, अच्छी परफॉर्मेंस। तो जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अच्छा लेक्चर देगा, तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो वो आपने कलेक्ट करना है। तो ऐसे ही उनकी बोलने की शक्ति को आप विकसित कर सकते हो, लिखने की शक्ति को आप विकसित कर सकते हो। बहुत सारा ज्ञान बहुत सारे चैलेंज के साथ उनको दे सकते हो, तथा वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप एक मोमबत्ती हो जो खुद जलकर अपने विद्यार्थियों को उज्जवल ज्ञान देती है। तो आप अपने आप को एक मोमबत्ती समझिए। तो मुझे उम्मीद है कि हर लेक्चरर, हर अध्यापक, हर टीचर एक अच्छा अध्यापक बनेगा यदि वो मोटिवेशन स्टूडेंट्स को देना सीख जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।